जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 प्रसंग के 28 से 30। जो आकारण क्रोध करता है वह दोषी है, क्रोध का आवेग उसके विनाश का कारण बनता है। धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। वह तब तक अपने विचार प्रकट नहीं करता जब तक बहुत से लोग उसके विवेक की चर्चा ना करे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी सेवा करते हैं हमारे हृदय के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं हमारे हृदय के अंदर क्रोध है, वो क्रोध हमें घमंड में लेके जाता है और हम लोगों की वाहवाही के लिए रुके रहते हैं और हम परमेश्वर के राज्य से पूर्ण रूप से भटक जाते हैं। आज ये वचन हमें फिर याद दिलाता है कि अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो हमारे हृदय के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया तो उसने हमें जो बनाया उसकी महिमा करने के लिए, तो हमारा कार्य है उसकी महिमा करने के लिए। हमारे अंदर जो भी वरदान है, जो भी फल है, जो भी बुद्धि से परमेश्वर ने भरा, वो सब उसकी महिमा के लिए है। हम केवल मिट्टी और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, इसलिए वचन कहता है कि हम मिट्टी है मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, किसी चीज का भी घमंड नहीं करना, किसी चीज का भी क्रोधित नहीं होना कि ये मेरा है, तुम नहीं जानते, मैं ही जानते। हमारे अंदर मेरे भाई और बहनों वो आदत है कि हम थोड़ा सा वचन जान लेते तो हमें लगता है हम सबसे ज्यादा धार्मिक बन जाते हैं। आज वचन हमें फिर से याद दिला रहा है कि क्रोधित ना रहो और अपने हृदय के अंदर से घमंड पूर्ण रूप से निकालो, क्योंकि हम क्रोधित होकर घमंडी बनकर फिर ढोंगी में आ जाते हैं। हम दिखावा करने लगते हैं अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट्स का, अपने हर एक वरदानों का। आज परमेश्वर हम सब जन से याद दिला रहा है कि अगर तुम मेरा सेवा कर रहे हो तो ये सब चीजों को अपने हृदय से हटाना। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे लहू से हमें शुद्ध कर। अगर परमेश्वर हम तेरे राज्य में कार्य कर रहे हैं और हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर क्रोध की आत्मा है, अगर हम परमेश्वर लोगों की वाहवाही लेने के लिए वो घमंड वाली आत्मा है, तो परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते तेरे लहू से हर एक चीज को शुद्ध कर। पूर्ण रूप से हम अपने हृदय को आपकी ओर लेके आते हैं सुबह परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े द्वारा हम चंगे हो चुके। तो परमेश्वर ये जो चीज हमारे अंदर है, क्रोधित, घमंड, व्यभिचार, हर एक पाप को परमेश्वर तेरे लहू से शुद्ध कर, कि पूर्ण रूप से तेरे सेवा हम कर सके परमेश्वर, जहां भी जाए नम्र बन के जाए। और यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।